कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के देवीगंज बाजार में पिछले 2 साल से नालियों की नियमित साफ सफाई न होने के कारण रामाश्रय सहित हजारों लोगों को गंदगी के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं महेश और ये है मेरा समुदाय। आपके यहाँ क्या समस्या है? मेरे यहाँ समस्या सर ये कई वर्षों से ये है कि ये जो नाली सामने दिख रही है ये गंदी बहुत रहती है और इससे समस्या ये है कि बड़े बड़े मच्छर बड़े बड़े कीटाणु इससे पैदा होते हैं तो दूसरी मीटिंग काम करने में बड़ी परेशानी होती है। ये काट लेते हैं तो मलेरिया हो जाता है, कई बार खून भी चेक करवाया उसे मलेरिया मिलता है। और सर जी समस्या ये है कि जो ग्राहक आते हैं उन इससे बदबू होती है तो ग्राहक आने से दुकान में कतराते भी हैं। इसके लिए प्रयास ये किया कि यहाँ प्रधान जी हैं वो कभी कभी आते हैं तो मौखिक रूप से उनसे कहा भी गया, गांव के लोगों ने उनसे प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन यहाँ पर मौजूदा हालत में यहाँ पर सफाई कर्मी ही नहीं है। क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ स्कूल के बगल में नाली है, वो उस नाली की समस्या है। नाली कब से गंदी है? नाली करीब 2 साल हुए। सफाई हुई कभी? नहीं हुई। तो क्या दिक्कत हो रही है सफाई न होने से? उसमें कीड़े पड़ते हैं, हम लोग को मच्छर पड़ते हैं, वो काटते हैं और हम लोग को कभी कभी हम लोग उसमें गिर भी जाते हैं, हम लोग का यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, हम लोग स्कूल नहीं आ पाते। आपके यहाँ क्या समस्या है? समस्या हमारे मुख्य द्वार पर जो है विद्यालय के मुख्य द्वार पर गंदगी का अंबार बना रहता है। जब से नानी बनी है यहाँ सफाई तो होती नहीं और जिसको मना करो मना होता नहीं, सारे बाजार का कूड़ा करकट यहीं फेंक दिया जाता है। ये समस्या गंदगी का है, इससे प्रदूषण फैलता है, सामने ऑफिस है गंदगी बहुत आती है, बच्चे हमारे गिरते हैं मजबूरियाँ होती हैं। मैंने इसकी शिकायत जो है तहसील दिवस में भी की। कब किए थे आप? 5/2/14। जब आपने शिकायत किया था तो क्या हुआ था? इसके बाद कोई आया नहीं, न यहाँ मेरे से कोई जो है पूछा नहीं आया न कुछ आया। मैंने तहसील दिवस में दी, तहसील दिवस में उन्होंने बी डी ओ साहब को मार किया, बी डी ओ साहब ने आज तक यहाँ पर कोई जो है वो नहीं किया और वो भी ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया था। अब आप क्या चाहते हो? चाहते हैं सफाई हो, स्वच्छता ही एक मिशन चल रहा है जो भारत सरकार का एक मूल मंत्र चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि स्वच्छता में सफाई हो जिससे बच्चों को पढ़ाई में बाधा ना आए और हम लोगों का जो है थोड़ा सा जो है अच्छा स्वस्थ महसूस हो। मैं चाहता हूं कि यहां नाली की नियमित साफ सफाई हो जिससे यहां इनकी इन लोगों की समस्या दूर हो सके। इसके लिए कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94546 45 75 पर कॉल कर दबाव बनाने में आप सभी देखने वाले दर्शक हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।